कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद्भागवत महात्म्य चतुर्थो अध्यायः श्लोक संख्या 37 से ब्राह्मण उवाच। विवेकेन भवेत् किं मे पुत्रं देहि बलादपि नो चेत्यजाम्यहं प्राणस्त्वदग्रे शोकमूर्छितः। ब्राह्मण देवता बोले, आत्मदेव जी बोले, विवेकेन भवेत् किं मे पुत्रं देहि बलादपि, मैं मेरे को विवेक से क्या होगा, बलपूर्वक पुत्र दीजिए। नोचेत यदि नहीं तो अहम मैं त्वत अग्रे तुम्हारे आगे ही प्राणान् त्यजामि, प्राणों को त्याग देता हूँ। शोक मूर्छितः, शोक मूर्छित होकर के। पुत्रादे सुखहीनो यम संन्यासा शुष्क एव हि गृहस्था सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्वितः। पुत्रादि सुख से रहित संन्यासा शुष्क एव हि, संन्यास भी सूखा ही है। गृहस्था सरसो लोके, संसार में गृहस्थ ही सरस है। पुत्र पौत्र समन्विता, पुत्र पौत्र से युक्त। इति विप्रागृहं दृष्ट्वा प्राब्रवीत स तपोधनः चित्रकेतुर्गता कष्टम विधिलेख अभिमार्जनात्। इति इस प्रकार से विप्र ब्राह्मण देवता का आग्रहम आग्रह को दृष्ट्वा देख करके तपोधन सन्यासी प्राब्रवीत स बोले कि विधि लेख विमार्जनात्, विधि के लेख को मिटाने के कारण ही चित्रकेतुर्गता कष्टम, चित्रकेतु को कष्ट प्राप्त हुआ। न यास्यसि सुखं पुत्राद्यथा दैव हतोद्यमः अतो हठेन युक्तोऽसि ह्यर्थिनं किं वदाम्यहम्। दैव हतोद्यमः, दैव के पराक्रम को नष्ट करके पुत्रादि जो भी प्राप्त किया तो सुखम न यास्यसि, उसको सुख नहीं मिला। अतो हठेन युक्तोऽसि, अतः इसलिए तुम हठ से युक्त हो। हर्थिनम किम बदाम्यहम, बदाम्यहम मैं तुम्हारे लिए क्या बोलूं। तस्याग्रहं समालोक्य फलमेकं सदत्तवान् इदं भक्षय पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति। तस्य उसके ब्राह्मण देवता के आग्रहं आग्रह को समालोक्य देख करके एकं फलं दत्तवान् एक फल दिया। इदं भक्षय पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति, इस फल को तुम्हारी पत्नी खाएगी तो उससे पुत्र होगा। सत्यम शौचम दयादानम एक भक्तम तु भोजनम वर्षावधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रोति निर्मलः। सत्य शौच पवित्रता, दया दान, एक भक्तम तु भोजनम
एक समय भोजन, वर्षावधि स्त्रिया कार्यम, एक वर्ष की अवधि तक यदि इस प्रकार से स्त्री करेगी तो पुत्रोति निर्मलः, अति निर्मलः पुत्रा, अत्यंत निर्मल पुत्र होगा। एवमुक्त्वा ययौ योगी विप्रस्तो गृहमागतः, पत्न्याः पाणौ फलं दत्त्वा स्वयं यातस्तु कुत्रचित्। एवम उक्त्वा इस प्रकार से कहकर योगी ययौ, योगी तो चले गए, विप्रस्तो गृहमागतः, ब्राह्मण देवता आत्मदेव जी गृहम आगता, घर आ गए। पत्न्या पाणव फलम दत्त्वा, पत्नी के पाणव हाथ में फलम, फल को दत्त्वा दे करके, स्वयं यातस्तु कुत्रचित, और स्वयं इधर उधर चले गए। तरुणी कुटिला तस्य सख्यग्रे चरुरोदः, अहो चिंता ममोत्पन्ना फलम चाहम न भक्षये। तरुणी जो धुंधुली थी, वे बहुत ही कुटिला टेढ़ी थी, वे अपनी सखी के अग्रे आगे, सहेली के आगे रुरोदः रोने लगी, और अहो चिंता ममोत्पन्ना, अहो आश्चर्य है कि मम चिंता उत्पन्ना, मेरे को बहुत बड़ी चिंता उत्पन्न हुई है कि फलम चाहम न भक्षे, इस फल को मैं नहीं खाऊंगी, क्योंकि फल भक्षेण गर्भास्यात् गर्भेणो दर वृद्धिता, स्वल्प भक्षम ततो शक्तिर् गृह कार्यम कथम भवेत्। फल भक्षेण गर्भास्यात्, फल के खाने से गर्भ होगा, और गर्भेण उदर वृद्धिता, गर्भ से उदर वृद्धिता, पेट बढ़ जाएगा। स्वल्प भक्षम ततो शक्तिर, और अल्प भक्षम स्वल्प, थोड़ा खाने से मैं कमजोर हो जाऊंगी, तो गृह कार्यम कथम भवेत्, घर का कार्य कैसे होगा। दैवात घाटी ब्रजेत ग्रामे पलायेत गर्भिणी कथम, सुकवन्निवसेत गर्भस्तम कुक्षे कथम उत्सृजेत। दैवात घाटी ब्रजेत ग्रामे, मान लीजिए ग्राम में डाकू इत्यादि आ गए, तो गर्भिणी कथम पलायेत, गर्भिणी कैसे भागेगी। सुकवन निवसेत गर्भस, यदि सुखदेव जी की तरह हो, गर्भ कहीं पेट में ही निवास कर लिया, तम कुच्छे कथम उत्सृजेत। तो तिर्यक्चेदागतो गर्भस तदा मे मरणं भवेत्, प्रसूतौ दारुणं दुःखं सुकुमारी कथं सहे। फिर गर्भस तिर्यक चेदागतो गर्भस, यदि गर्भ कहीं तिर्यक टेढ़ा हो गया, तदा तब तो मे मरणं भवेत, मेरा मरण मृत्यु हो जाएगी। प्रसूतौ दारुणं दुःखं, फिर जन्म देते समय भी तो भयंकर दुख है। सुकुमारी कथम सहे, और मैं तो बहुत सुकुमारी हूँ, तो सुकुमारी किस प्रकार से सहन करेगी। मंदायामय सर्वस्वम ननांदा संहरे तदा, सत्य शौचादि नियमो दुराराध्या सदृश्यते। और मई मंदायाम, मेरे मंद हो जाने पर ननांदा जो मेरी ननद है, वे सर्वस्वम सब कुछ, सब धन संहरे धरण करके ले जाएगी। तदा उस समय सत्य शौचादि नियमों, सत्य शौच आदि का नियम भी तो दुराराध्या सदृश्यते, बहुत ही कठिन दिखाई देता है। लालने पालने दुःखम प्रसूतायाश्च वर्तते। फिर
जन्म देते समय और लालन पालन में भी तो बहुत कष्ट है। बंध्यावा विधवा नारी सुखिनी चेति में मति, मेरी मति से तो स्त्री बांझ या विधवा ही सुखी है। एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम्। इस प्रकार से कुतर्क के योग से फलम नैव भक्षितम्, फल को नहीं खाया। पत्या पृष्टम फलम भुक्तम, भुक्तम चेति तये ऋतम्। पति के द्वारा पृष्टम पूछा गया, फलम भुक्तम फल खा लिया, तो भुक्तम चेति तये ऋतम्। धुंधुली ने तुरंत कहा कि हाँ वे तो उसी समय खा लिए। एकदा भगिनी तस्यास तद्गृहं सुक्षया गता, तदग्रे कथितं सर्वं चिन्तेयं महती हि मे। एक बार उस तस्या धुंधुली की भगिनी बहन स्वेच्छया अपने इच्छा से ही तद्ग्रहम धुंधुली के घर आगता आ गई। तद अग्रे कथितम सर्वम चिंतेयम महती हिमे। तद अग्रे उसके आगे धुंधुली सर्वम कथितम, धुंधुली ने सब कुछ कहा कि मैं मेरे को महती चिंता इयम, यह मैं मेरे को महती बहुत बड़ी चिंता है। दुर्बला तेन दुखे न हेनुजे करवाणि किम्, साब्रवीन मम गर्भोस्ति तम दास्यामि प्रसूतितः। दुर्बला तेन दुखे न, उस दुख से मैं दुर्बल हो गई हूँ अनुजे हे बहन, किम करवाणि मैं क्या करूँ। साब्रवीन वह बोली कि मम गर्भोस्ति मेरे गर्भ है, तम दास्यामि प्रसूतिता जन्म होने पर तुमको दे दूंगी। तावत् कालम स गर्भे व गुप्ता तिष्ठ ग्रहे सुखम, वित्तम त्वम मत्पतेर्यक्ष सते दास्यति बालकम्। तावत् कालम तब तक, उस समय तक गुप्ता गुप्त रेव गुप्त रूप से ग्रहे घर में सुखम सुखपूर्वक सगर्भेव तिष्ठ गर्भ के सहित रहो, कि ऐसा बता दो कि मेरे को गर्भ है और गुप्त रूप से रहो। वित्तम त्वम मत्पतेर यक्ष, त्वम तुम मत्पतेर मेरे पति को वित्तम धन यक्ष दे देना, सते दास्यति बालकम और वह तुमको तुम्हारे लिए बालकम दास्यति बालक को दे देंगे। षाड़मासिको मृतो बाल इति लोको वदिष्यति, तम बालम पोषयिष्यामि नित्यमागत्यते गृहे। षाड़मासिको छः महीना के मृतो बालक, बालक मर गया है, इति इस प्रकार से लोका संसार से वदिष्यति मैं बोलूँगी, और तम बालम उस बालक को ते ग्रहे तुम्हारे घर में नित्यम आगत्य रोज आकर के पोषिष्यामि उसका पोषण पालन पोषण करूँगी। फलम अर्पय धेन्वयि त्वम परीक्षार्थम तु साम्प्रतम, तत्तदाचरितम सर्वम तथैव स्त्री स्वभावतः। और तुम परीक्षार्थम परीक्षा के लिए साम्प्रतम इस समय धेनुई फलम अर्पय धेनु गाय को फल खिला दो। तत्तदाचरितम सर्वम तथैव स्त्री स्वभावतः,
तथैव उसी प्रकार से स्त्री स्वभावता स्त्री स्वभाववश तत्तद आचरितम उसने वही सब आचरण किया। अथ कालेन सा नारी प्रसूता बालकम तदा आनीया जनको बालम रहस्ये धुंधुलिम ददौ। अथ कालेन कुछ समय के बाद वह नारी बालकम तदा प्रसूता उस बालक को जन्म दिया। आनीय जनको बालम रहस्ये धुंधुलिम ददौ और उसने उसके पिता ने उस बालक को ला करके धुंधुलिम ददौ धुंधुली को दे दिया। तया च कथितं भर्त्रे प्रसूता सुखमर्भकः लोकस्य सुखमुत्पन्न मात्मदेव प्रजोदयात्। तया च कथितं भर्ते प्रसूता सुखमर्भका और उसके द्वारा भर्ते अर्थात आत्मदेव जी से ये कहा गया कह दिया गया कि सुखम सुखपूर्वक अर्भका प्रसूता बच्चे ने जन्म दिया है। लोकस्य संसार में सुखम उत्पन्न बहुत सुख उत्पन्न हुआ कि आत्मदेव प्रचोदयात आत्मदेव के पुत्र हुआ। ददौ दानं द्विजातिभ्यो जात कर्म विधाय च। द्विजातिभ्यो ब्राह्मणों के लिए दान दिया गया और जात कर्म विधाय च जात कर्म किया गया। गीतवादित्र घोषो भूत तद्वारे मंगलम बहु। आत्मदेव के गेट पर गीत गाना वादित्र बाजा गाना बजाना बहुत से मंगल गीत ये सब गाए गए। भर्तृरग्रे ब्रवीत वाक्यम स्तन्यम नास्ति कुचे मम अन्यस्तन्येन निर्दुग्धा कथम पुष्णामि बालकम्। और भर्तृरग्रे स्वामी के आगे अर्थात आत्मदेव के सामने वाक्यम अब्रवीत वाक्य बोली कि मैं कुचे मम कुचे मेरे स्तनों में दूध नहीं है तो अन्य स्तनेन दूसरे के दूध से यानी गाय इत्यादि के दूध से किस प्रकार से कथम पुष्णामि बालकम् किस प्रकार से बालक का पोषण करूंगी। मत् स्वसुश्च प्रसूताया मृतो बालस्तु वर्तते तामा कार्य गृहे रक्ष सातेर्भं पोषयिष्यति। मत्स्वसुश्च मेरी बहन के अभी मृतो बालस्तु वर्तते मरा हुआ बालक उत्पन्न हुआ तो तामा कार्य गृहे रक्ष सातेर्भं पोषयिष्यति उसको यहाँ बुला लें घर में रखें तो वे अर्भम पोषिष्यति वे बच्चे का पोषण कर देगी। पतिना तत्कृतं सर्वं पुत्र रक्षण हेतवे पुत्रस्य धुंधुकारीति नाम मात्रा प्रतिष्ठितम्। पतिना आत्मदेव के द्वारा तत्कृतं वह सब उसी प्रकार किया गया। सर्वं पुत्र रक्षण हेतवे पुत्र की रक्षा के लिए और पुत्रस्य धुंधुकारीति नाम मात्रा प्रतिष्ठितम् माता धुंधुली ने अपने पुत्र का नाम धुंधुकारीति धुंधुकारी नाम रखा। जय श्री कृष्ण। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।